हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने वीडियो ओपन किया है तो इसका मतलब है आप भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम से परेशान हैं। अब परेशान तो हर कोई है यार, किसी न किसी प्रॉब्लम से। तो अब मैं आपको इसमें कोई तामझाम तो बताने नहीं वाली हूँ कि ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, इससे इफ़ेक्ट आएगा, वो आएगा, होममेड नुस्खा कुछ नहीं बताने वाली हूँ मैं कि ये करो वो करो। अब इसके मैं पहले तो आपको रीज़न बता देती हूँ कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, जैसे कि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर होती क्यों है, हमें प्रॉब्लम का पता चल गया तो हम जड़ से इसको ख़त्म भी कर पाएंगे। तो ये अगर आपने किया है कभी वेट लॉस किया है और किसी की आपने सलाह पे किया है और ना किसी का सजेशन माना है बस, और किसी डॉक्टर से या किसी से पूछ के नहीं किया है, आपने प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं किया है जिसकी वजह से हो गई है आपको ये प्रॉब्लम। होता ये है कि हमारी जो सेल्स होती हैं उसके नीचे एक लेयर होती है, एपिथीलियम की लेयर होती है ना, उसके नीचे एक लेयर होती है फैट्स की। तो ये जो फैट की लेयर है वो हो गई है कम, तो स्किन हो गई है लटक, स्किन गई है आपकी लटक, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। क्योंकि सबसे पहले हम जब वेट लॉस करते हैं तो आँखों के नीचे ही हमारे फैट कम होता है, इस वजह से आपको हो रही है ये प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अगर आप खाना अच्छे से नहीं खाते हो, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हो, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद आती है आपकी नींद। नींद अगर आप 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नहीं लेते हो तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हो। आपको रोज़ 8 से 10 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और आप चलाते हो मोबाइल, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल पैंडेमिक की वजह से सब लोग घर पे बैठ के लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, इसी पे सिर्फ आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। क्योंकि आप भी बोलोगे कि हमको तो भी यही काम है, आप तो क्या करें, अब हमको ये तो करना ही पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए, पढ़ने के लिए। हमें तो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे ही दिन भर आंखें टिकाए बैठी रहनी पड़ती हैं। हाँ, आप भी यही बोलूँगी अब कि हाँ अब इसका क्या उपाय है, ये भी बताऊँगी मैं आपको। अब तो पहले मेरी बात सुनिए कि जैसे आप वेट लॉस करने से हुआ है तो आप एक काम कीजिए कि किसी डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से लीजिए, किसी डॉक्टर से लीजिए, प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए। अगर आप रोज़ के खाने में आपको बराबर प्रोटीन विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए भी आप डॉक्टर को पूछिए, डॉक्टर का सलाह लीजिए। नहीं तो फिर एक काम कीजिए आप, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, इसे फ्रूट्स वगैरह रोज़ खाना शुरू कीजिए। और रही मोबाइल की बात, लैपटॉप स्क्रीन की बात, तो उसके लिए ग्लासेस अवेलेबल होते हैं, उसके लिए ग्लासेस अवेलेबल है, ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस। ये अगर आप कहीं से ख़रीद लोगे मार्केट से तो ज़्यादा कॉस्ट, थोड़े बहुत कॉस्टली आते हैं, लेकिन आपको ये लंबा इफ़ेक्ट देंगे। इससे आपकी आँखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, अगर आपकी आँखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा तो आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। अब ये तो हो गई ये सारी बातें, अब आप इसको बाहर से थोड़ा बहुत एक्सटर्नली कैसे हटा सकते हैं ये भी हम बात करते हैं। आप ना अपने आँखों के नीचे जेंटली ऐसे मसाज कीजिए, आलमंड ऑयल से मसाज कीजिए जेंटली, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा लीजिए और ऐसे मसाज करते रहिए। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोकोनट ऑयल लीजिए। कोकोनट ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और ऑयल भी चलेगा, कोई भाई ये नहीं है आपके पास कोई एलोवेरा जेल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब एलोवेरा जेल की बात करें तो आपके घर के आसपास आपके बहुत सारे प्लांट्स लगाए होंगे, आपने एक एलोवेरा का भी छोटा सा प्लांट लगा लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बस ये आँखों का ही नहीं, बहुत सारा स्किन का भी फ़ायदा है, बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट्स है। मैं भी नेक्स्ट वीडियो तो उसी पर बनाऊंगी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा। तो एलोवेरा वो जो फ्रेश जेल बहुत अच्छा रहता है उसका, अगर आप वहीं से लगा लोगे सीधा एलोवेरा को लेके तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी हर्बल एलोवेरा जेल ले सकते हो। मैं तो फ्रेश घर का ही आपको बोलूँगी, क्योंकि जो हर्बल एलोवेरा जेल अगर आप कहीं
लेते हो तो उसमें थोड़े बहुत तो प्रिजर्वेटिव होते ही हैं, थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुँचाते हैं, तो वो लगा लीजिए मसाज करके ओवरनाइट रख दीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। कोकोनट ऑयल का भी जो मैंने बोला उसको भी 2 टाइम करो दिन में बस। और सबसे बात मेन कि आप अपनी इंटरनली बॉडी को क्लीन रखो, इंटरनली बॉडी को अच्छा रखो, सिस्टम को अच्छा रखो बस, बाकी कुछ नहीं, उस पर ही ध्यान दो आप। अब और ये तो रीजन्स भी बता दिए मैंने, सॉल्यूशंस भी बता दी। और हाँ, और एक बात, 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पियो दिन में, 10 ग्लास नहीं तो कम से कम 8 ग्लास तो पियो। अगर 4 ग्लास पीते हो तो 6 ग्लास, 8 ग्लास ऐसे बढ़ाओ, एकदम से मत बढ़ाओ। उसके बाद आप ये जो एक्सटर्नली मैंने बोला ये वो लगाओ थोड़ा थोड़ा उसके मसाज करके, तो वो सिर्फ आप करोगे तो उससे फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन जो इंटरनली चीज़ है बोली जैसे न्यूट्रिएंट्स का ये सब बोला, इस पर भी नींद पे इस पर सब पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आगे आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलने वाली है, अच्छी अच्छी वीडियोस फैट्स पे किसी किसी के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।